दोस्तों सबका हार्दिक स्वागत है। आज लोग हम बात करने वाले हैं फिटनेस इंडस्ट्री के महानायक की, प्रोटीन के बारे में। अब प्रोटीन के बारे में लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, और एक जो मिसकंसेप्शन आज हम बात करेंगे वो ये है कि एक सिटिंग में आप मैक्सिमम आपकी बॉडी कितने ग्राम प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकती है। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आए, लेकिन सबसे जो अच्छा मुझे ये लगा कि हम ऐसे बात करते हैं कि आप लोगों को समझाते हैं कि मान के चलिए आपने एक स्कूप वे लिया, चिकन खाया, अंडे खाए, पनीर खाया, दूध लिया, कुछ भी जिसमें प्रोटीन होता है, तो बॉडी उसके साथ क्या करती है। तो इससे मेरे ख्याल से सबको समझ आ जाएगा, और एंड में हम एक छोटी मोटी रिकमेंडेशन भी आपको दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या होता है जब आप प्रोटीन खाते हैं। अब जो प्रोसेस ऑफ मसल कंट्रैक्शन होती है, जो खाने को यहाँ से आपके पेट से इंटेस्टाइन्स तक पहुँचाती है, उसे पेरिस्टाइलिस बोलते हैं, और इसकी स्पीड जो है वेरी कर सकती है। और जैसे ही आपका खाना, और इस केस में प्रोटीन की बात कर रहे हैं, स्टमक तक पहुँचता है, तो स्टमक एसिड में नहा धो के एक चीज़ बन जाती है चाइम, CHYME, प्रोनंसिएशन शायद गलत हो लेकिन स्पेलिंग एकदम सही। अब जो ये चाइम है, ये इंटेस्टाइन्स में पुश होता है अगेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टाइलिस। तो जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो बाहर की सारी चीज़ें खाना शुरू कर देती हैं, और इसे बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। अब क्या है कि जैसे आपका जो डाइटरी प्रोटीन था, ये स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन्स में पहुंचा, अब इंटेस्टाइन से बॉडी में भी जाएगा। इंटेस्टाइन से बॉडी में कैसे जाता है, उसको बोलते हैं हम अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स। मतलब ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, वही होगी कि मान के चलिए एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस में सारा सामान आ गया, और अब अलग अलग ट्रक आएंगे इस सामान को लेट्स से एक सिटी की अलग अलग जगहों पे पहुंचाना। यहाँ पे सिटी हमारी बॉडी होगी, तो कुछ आपके सोडियम ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कुछ आपके क्लोराइड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग अमीनो एसिड्स को उठा के ले जाते हैं, और कुछ आपने जैसे पेप्टाइड्स का नाम सुना होगा। ये पेप्टाइड जो लोग पीडीज में इंटरेस्टेड है उन्होंने डेफिनेटली सुना होगा। तो पेप्टाइड्स एक्चुअली कुछ नहीं होते, दो तीन अमीनो एसिड की जो चेन होती है उसे पेप्टाइड्स बोलते हैं, और पेप्टाइड्स का जो ट्रांसपोर्टर होता है जो कि पेप्टाइड्स को बॉडी में ले जाएगा उसे हम बोलते हैं PEPT1। तो अल्टीमेटली इस वेयर हाउस से बॉडी में जितना सामान जाएगा सब कुछ डिपेंड करता है कि ये जो ट्रांसपोर्टर है हमारे पास कितना सामान लेके जा सकते हैं। अब आपको मैं एक बड़ी कमाल की चीज यहाँ पे बताता हूँ। क्या होता है कि अगर जो सामान यहाँ पे नहीं गया, मतलब ट्रक आगे नहीं लेके गए, तो वो आप एक्सक्रीट कर देते हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब से आपने प्रोटीन खाना ज्यादा शुरू किया है, और आपकी जो सुबह मॉर्निंग के पॉटी करने जाते हो जो फीसेज होती हैं, अगर बहुत बदबूदार हो रही हैं, तो आपका जो प्रोटीन है वो ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, क्योंकि एक टिपिकल इंडिकेशन होता है उस चीज का, क्योंकि दो ही पाथ में, या ट्रांसपोर्टर लेके जाएंगे या फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। अगर मैं आर्ली अपटेक की बात करूं, तो इस वेयर हाउस से ट्रक कितना लेके जाते हैं, 5 से 10 ग्राम के बीच में, इससे ज्यादा आपकी बॉडी यहां से प्रोटीन ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकता। तो अब क्या सवाल आता है कि कैन आई ईट टू मच प्रोटीन, क्या मैं अगर 100 ग्राम प्रोटीन एक सिटिंग में खा लूं तो बॉडी क्या करेगी। गुड क्वेश्चन, इसी का आंसर देने हम यहां पे इकट्ठे हुए हैं सारे आज। अब देखिए क्या होता है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं और जो पेप्टाइड्स हैं, ये अपना टाइम इंटेस्टाइन में रेगुलेट कर सकते हैं। एक हार्मोन होता है, उसे बोलते हैं CCK, डाइजेस्टिव हार्मोन होता है, तो इसका सेशियाइटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और तब रिलीज भी होता है जब प्रोटीन आप खाते हो। तो इसके थ्रू भी ये प्रोसेस होता है कि हम स्लो डाउन कर सकते हैं कि जो इंटेस्टाइन है कितने तेज मूव कर रही है, ताकि अगर प्रोटीन ज्यादा है तो आराम आराम से चीजें एब्जॉर्ब हो। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पे 95% के आसपास प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है, और जो बाकी अनएब्जॉर्ब हो जाता है वो आपके कोलन में चल के स्टूल में निकल जाता है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अपने आप में एक ऑर्गन है, उसको भी अमीनो एसिड्स चाहिए सरवाइव करने के लिए, खाने के लिए, खाने पीने के लिए। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी खूब सारे अमीनो एसिड्स जो आते हैं खुद ही खा जाती है। तो प्रोटीन का काम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का नहीं होता, ये छोटे मोटी चीजें बॉडी में बहुत सारी होती हैं जहां पे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अगर मैं स्पेसिफिकली गट की बात करूं, तो ग्लूटामिन, जिसका नाम मतलब है पेट के लिए मोस्टली बहुत यूज होता है, रिकवरी में इसका कोई खास काम नहीं होता, BCAA, 309, सिस्टीन, आर्जिनाइन, ग्लूटामेट, ये सारे आपके इस पेट के सिस्टम को बहुत पसंद है। तो मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन काफी सारी ये चीजें यूज करती है अपनी अच्छी फंक्शनिंग के लिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पहले अपना यूज करती है, लेकिन उसको लगता है बॉडी को यूज हो रही है, जरूरत पड़ रही है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो इनके पास पूरा ये होता अमीनो एसिड पूल, उससे अमीनो एसिड आगे रिलीज करती है। तो अब जैसे मैंने फ्री अमीनो एसिड पूल की बात की, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की, तो होता क्या कि अगर मान के चलिए आप बहुत सारा प्रोटीन खा रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी लगता है कि प्रोटीन बहुत आ रहा है, चलो आराम से अपने पेट के कामों के लिए भी यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि प्रोटीन डिप्रिवेशन है, कि आप बहुत कम प्रोटीन खा रहे हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, कहती है भाई साहब एक काम करते हैं, अपने काम बाद में देखते हैं, पहले बॉडी को भेजते हैं, क्योंकि उनको अभी बड़ी जरूरत है प्रोटीन की। तो ये पूल है, रिक्वायरमेंट के अनुसार ये चीजें होती रहती हैं। अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है बॉडी की और
इनकमिंग कम है तो गट फंक्शंस इसलिए कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो अगर इनमें स्किन केस अगर आपको किसी गट की दिक्कत है, IBS, IBD, किसी भी टाइप का इशू, प्लीज कॉन्टैक्ट अस, मोर देन हैप्पी टू हेल्प। देखिए अब 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन बड़े सारे लोग बोलते हैं कि एक बारी में इतना ही खाना चाहिए, इससे ज्यादा आपको खाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आई कहां से? तो ये पहले स्टडीज हुई थी, उसमें क्या था, ये देखा गया था कि 30 ग्राम प्रोटीन से अगर ज्यादा होता है तो जो आपकी एक्सक्रीशन होती है उनमें ज्यादा प्रोटीन आने शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये पता चलता है कि अगर प्रोटीन आप ज्यादा खा रहे हैं तो नेट प्रोटीन टर्नओवर ज्यादा हो जाता है, मतलब बॉडी में जैसे कुछ अगर डैमेज प्रोटीन है तो बॉडी उनको रिपेयर करती है, ज्यादा प्रोटीन यूज करती है, बाहर भी निकालती है। तो ऐसा कोई स्टडी हमारे पास अभी नहीं है कहती कि इतना ही प्रोटीन आप एक बारी में ले सकते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी एक्चुअली है क्या, वो ये कि जैसे अगर जो लोग इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हैं तो उनको लगता है कि क्या पूरे दिन खाना चाहिए। देखिए कुछ स्टडीज हमारे पास ऐसी जरूर हैं जो कहती हैं कि अगर आप पूरे दिन खाते हैं या मतलब लंबे पीरियड सकते हैं, हो सकता है हल्का फुल्का मसल ज्यादा गेन करें, लेकिन एंड ऑफ द डे स्टोरी यही है कि आप कितना प्रोटीन खाते हैं। टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि बार बार प्रोटीन खाना। और इसलिए क्योंकि आप पर्सनली अ बिग फैन ऑफ बिग मील, जैसे बिग ब्रेकफास्ट हो गया, बिग लंच हो गया, बिग डिनर हो गया, तीन बड़े मील्स खाओ, मेक श्योर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो, रात दिन की हर दो दो घंटे में कुछ खाना, दैट इज नॉट अ गुड। तो अगेन कोई रूल नहीं है कि कितना खा सकते हो, यू कैन हैव बिग मील्स, कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज में, लेकिन एंड ऑफ द डे मेक श्योर आपका जो मैक्सिमम प्रोटीन है वो होल फूड सोर्सेज से आए और बाकी आपकी नींद अच्छी हो, यू हैव लाइक अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल और बाकी आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एल्स यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।